Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. तेलंगाना हुकूमत से ग्रुप टू और ग्रुप थ्री की जायदादों को बढ़ाने का मुतालबा करते हुए बीआरएसवी लीडर्स, कारकुनान और बेरोजगार नौजवानों ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव किया। ग्रुप टू और ग्रुप थ्री के जायदादों को बढ़ाने का मुतालबा पिछले 3 महीनों से किया जा रहा है, इसके बावजूद भी हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हुकूमत के इस बर्ताव से नाराज बेरोजगारों, बीआरएसवी के लीडर्स और कारकुनान ने जुमा को तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। मुश्तइल एहतजाजियों ने दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुश्तइल एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने 73वीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि सेहत पर तेलंगाना के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। 73वीं इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस शहर हैदराबाद में मुनाक़िद हुई। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IPCA सदर बी पार्था सारथी रेड्डी बोदिगर ने उनका पुरतफाक इस्तकबाल किया। वज़रा कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और श्रीधर बाबू भी इस मौके पर मौजूद रहे। अपने खिताब में भट्टी विक्रमार्का ने मुल्क में 35% फार्मा मसनुआत तेलंगाना से होने पर फख्र का इजहार करते हुए कहा कि फार्मा शोबे को मरीजों की हिफाजत और सेहत के फरोग के लिए अहम किरदार अदा करना है। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद अब बिरयानी और बायो फार्मा के लिए मशहूर है और सेहतमंद तेलंगाना के लिए हम सब को मिलकर काम करना होगा। भारत राष्ट्र समिति को अंदरून एक हफ्ता एक और बड़ा धचका लगा। 6 अराकीन कौंसल जुमेरात की निस्फ शब कांग्रेस में शामिल हो गए। जराय ने बताया कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह वाक़ जुबली हिल्स में MLC दांडे विठल, भानु प्रसाद, बी दयानंद, MS प्रभाकर राव, ए मल्लेशम और बसवा राजू सरैया कांग्रेस में शामिल हो गए। रेवंत रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहना कर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी, सीनियर कांग्रेस लीडर सुरेंद्र रेड्डी वो दीगर भी मौजूद थे। आपको बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी जो कि नई दिल्ली के दौरे पर थे, उनके हैदराबाद पहुंचने के बाद ये तकरीब मुनाक़िद हुई। 6 BRS MLCs की शमूलियत के बाद क़ानून साज कौंसल में कांग्रेस की तदाद बढ़कर अब 14 हो गई है। क़ानून साज कौंसल में अरकान की कुल तदाद 40 है, जिनमें से 2 नशिस्तें मखलुआ हैं। कांग्रेस जिसके पहले से 6 अरकान थे, तवक्को है कि गवर्नर के कोटे से 2 खाली नशिस्तें पूर करेगी, जिससे उनकी कुल तदाद 8 हो जाएगी। नए अरकान के साथ अब कांग्रेस के अराकीन असेंबली की तादाद 14 हो गई है। अदाकार सोनू सूद ने हैदराबाद में नॉनवेज फूड स्टॉल लगाने वाली कुमारी आंटी से मुलाकात की। हैदराबाद के माधापुर इलाके में सड़क के किनारे दसारी साई कुमारी, जो कि सोशल मीडिया पर कुमारी आंटी के नाम से मशहूर हैं, नॉनवेज फूड स्टॉल लगाती हैं। वो अपने लजीज पकवानात के सबब सोशल मीडिया पर काफ़ी मशहूर हैं। फिल्म फतेह के लिए तैयारी कर रहे अदाकार सोनू सूद ने आज कुमारी आंटी से मुलाकात की। अदाकार ने कुमारी आंटी से मुलाकात का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं और उनकी भरपूर सिताइश भी की है। अदाकार सोनू सूद ने कुमारी आंटी जैसे लोगों को बाइख्तियार बनाने पर भी जोर दिया है। हुसैनी आलम पुलिस ने चारमीनार बस स्टॉप के करीब 2 नौजवानों को गांजा सिगरेट पीते हुए गिरफ्तार कर लिया। शहर हैदराबाद में नौजवान तबका गांजे का आदि हो गया है और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस पाया जा रहा है। गांजे के चलन और इस्तेमाल के खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी है। गुज़िश्ता रात हुसैनी आलम पुलिस ने चारमीनार बस स्टॉप के करीब 2 नौजवानों को गांजा सिगरेट पीते रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस को मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाने और शहरियों को अपने बच्चों पर नज़र रखने, उनकी मसरूफियात व नकलो हरकत का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। तेल
तेलंगाना के वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डीसी धरबाबू ने हज कमेटी चेयरमैन पुसरोपाशा अफजल बियाबानी से मुलाकात की। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू जुमा को कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व हज कमेटी चेयरमैन पुसरोपाशा अफजल बियाबानी की रिहाइश का पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को तालीम, अमकना और वजायफ की फराहमी और वेलफेयर स्कीमों के निफाज के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। डी श्रीधर बाबू ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों की तरक्की के लिए संजीदा है। गुज़िश्ता हुकूमतों के दौरान जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हुई है, कांग्रेस पार्टी उसको मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम करेगी। उन्होंने कहा कि सीनियर रहनुमा खुसरो पाशा अफजल बियाबानी व दीगर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद मुसलमानों को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मुहियुद्दीन ने शेखपेट मंडल के इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक तकसीम किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मुहियुद्दीन ने एसएस फंक्शन हॉल हकीम पेट में चेक तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया और शेखपेट मंडल के 180 इस्तफादा कुनिंदगान को शादी मुबारक स्कीम के चेक हवाले किए। इस मौके पर MRO के अलावा पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। भारत राष्ट्रीय समिति के MLA पी कौशिक रेड्डी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर कहा कि वो KCR के शागिर्द हैं और मुकदमात से नहीं डरते हैं। करीमनगर में पुलिस ने हुजूराबाद के MLA पी कौशिक रेड्डी के खिलाफ अहदेदारों को फराइज की अंजामदही से रोकने पर मुकदमा दर्ज किया। पी कौशिक रेड्डी ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर कहा कि वो KCR के शागिर्द हैं और इस तरह के मुकदमात से खौफजदा नहीं होंगे। अगर इस तरह के 100 मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाएं तो वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया जाता, वो KCR की क़यादत में आवाम के साथ ताउन करते रहेंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर जफर खान ने हबीब नगर का दौरा करते हुए अवामी मसायल दरियाफ्त किए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और नामपल्ली MLA मोहम्मद मालिद हुसैन की हिदायत पर नामपल्ली असम्बली हलके के मल्लापल्ली डिवीजन कॉरपोरेटर जफर खान ने महकमा बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा आज नमाज फजर के बाद हबीब नगर का तफसीली दौरा किया। दरियासना उन्होंने आबी सरबराही का मुआयना भी किया। कॉरपोरेटर ने घर घर जाकर अवामुन्ना से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। जफर खान ने शहरियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मुहासरा करने का ऐलान किए जाने के बाद बेरोजगारों को मेट्रो रेल में सवार होने नहीं दिया गया। मेगा DSC का ऐलान करने, जॉब कैलेंडर जारी करने, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में ओहदों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा करते हुए आज BRSV और जैक अनएम्प्लॉयड ने तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का घेराव करने का ऐलान किया था। बेरोजगारों को एहतजाज में हिस्सा लेने से रोकने के लिए LB नगर और दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन पर पुलिस को तैनात देखा गया, जो कि मेट्रो में सफ़र करने वाले हर शख्स पर नज़र रखे हुए थे। ऐसे अपराध जिनके बेरोजगार होने का शुबा था, उनके फोन की भी जाँच की गई और उन्हें मेट्रो में सफ़र करने से रोक दिया गया। ज़िले मेडचल में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने वल्लभ नगर में वाक़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी तौर पर अलवाल मंडल मुंतकिल करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर के मुजस्मे को एक अर्जी पेश की। BJP कायदीन के मुताबिक मेडचल ज़िले के हर मंडल के लिए एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस है, लेकिन अलवाल में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ के लोगों को वल्लभ नगर जाना पड़ता है, जो कि 10-15 किलोमीटर दूर है। जुमा को मेडचल ज़िला अर्बन प्रेसिडेंट मल्ला रेड्डी की मौजूदगी में BJP लीडर्स ने अंबेडकर नगर में बाबा साहब अंबेडकर और ज्योतिबा फुले के मुजस्मों को दूध से नहलाया, फूल चढ़ाए और फिर वल्लभ नगर में वाक़ सब रजिस्ट्रार ऑफिस को फौरी तौर पर अलवाल मंडल मुंतकिल करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर के मुजस्मे पर एक अर्जी पेश की। रंगारेड्डी ज़िले के पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए हवाई फायरिंग की। रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली पारथी गैंग ने शहर के मजाफात में हलचल मचा रखी थी। कई मकानात में सरक़े की वारदातें अंजाम दी गई थी। नलगुंडा क्राइम ब्रांच पुलिस ने रचाकोंडा
पुलिस को चौकन्ना किया और मुश्तरका कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ने की कोशिश की। जराए ने बताया है कि सारखीन ने पुलिस पर हमला किया और फरार होने लगे, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने हवाई फायरिंग की और फिर चोरों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार की गई पारथा गैंग के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उन्हें नलगुंडा मुंतकिल किया गया है। वैसा कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली जे सुधाकर को एक नाबालिग लड़की के साथ 3 सालों से जिंसी ज्यादती करने के मामले में 14 दिन की अदालती तहवीर में भेज दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कुडुमुरु हलके के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली जे सुधाकर पिछले 3 सालों से अपने घर में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ जिंसी ज्यादती कर रहा था। मुतासरा लड़की के अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैरत की बात तो ये रही कि बहादुर लड़की ने सबूत भी पेश किए, इसके बावजूद पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और ना ही कोई कार्रवाई की। रियासत आंध्र प्रदेश में हुकूमत बदली तो मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसे 14 दिन की अदालती तहवीर में भेजा गया है। सुधाकर ही नहीं बल्कि पुलिस अफसरान भी इस जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं, जिन्होंने मुतासिरा की एक नहीं सुनी और ना ही उसे बचाया, ना ही मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई की। ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सियासी जमातों को ऐसे जिनसी शिकारियों के खिलाफ सख्त मौकफ इख्तियार करने और उन पर ताहयात पाबंदी लगाना चाहिए। मेडचल मलकाजगिरी जिला कलेक्टर गौतम ने मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया और मसाइल दरियाफ्त किए। मेडचल मलकाजगिरी जिला कलेक्टर गौतम ने जुमा को मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद सहूलियात से मुतालिक तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर DMHO ने कलेक्टर को वहां दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट से कहा कि जो मसाइल बयान किए गए हैं उसे जल्द ही हल किया जाएगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, अस्पताल सुपरिटेंडेंट के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कागज नगर किम्स अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के नतीजे में एक 9 जायदा बच्ची की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोबरा में आसिफाबाद जिले के दहीगाम मंडल कालवाड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले रमेश की शादी सुनीता से हुई थी। सुनीता को कागज नगर के किम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उसने एक लड़की को जन्म दिया। बताया गया है कि अंदरून 24 घंटे लड़की की मौत हो गई। 9 जायदा बच्ची की मौत के बाद किम्स अस्पताल में शदीद कशीदगी फैल गई। लवाहकी ने अस्पताल के डॉक्टरों की जानिब से लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए शदीद एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इस वाक़े की तहकीकात करने और गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। तेलंगाना के महकमा अकलियती बहबूद की जानिब से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 8 जुलाई से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। तफसीर इकबाल कमिश्नर महकमा अकलियती बहबूद की जानिब से एलामिया जारी करते हुए मतला किया गया है कि अहल उम्मीदवारों से चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए 8 जुलाई से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। अहल उम्मीदवार 8 जुलाई से 7 अगस्त की शाम 5 बजे तक दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने 31 जुलाई 2023 और 1 जनवरी 2024 के दौरान दाखिला लिया है वो स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। दरख्वास्त के तरीक़ेकार की तफसीलात वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। इस स्कीम के तहत अखिलती तलबा अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, जर्मनी, जुनूबी कोरिया, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड में वाकई यूनिवर्सिटियों में PG और PhD कोर्सेज में आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।